हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? सब अच्छे होंगे अपने घरों में। तो मैंने मॉर्निंग में व्लॉग स्टार्ट कर लिया था और यहाँ पे मैं उठ के गर्म पानी पी के हाथ मुँह धो के फ्रेश होके कर रही थी योगा, और साथ ही मेरी चाय भी बन रही थी। तो ज़्यादा देर तक तो मैं नहीं कर पाती हूँ, हाथ पाँव में पता नहीं क्यों दर्द होता है जब मैं ज़्यादा एक्सरसाइज करती हूँ, पर थोड़ा बहुत हल्की फुल्की कर लेती हूँ क्योंकि हम घर ही में रहते, कहीं आ जा नहीं पाते, आना जाना बहुत कम होता है। तो एक्सरसाइज जो है बहुत ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। तो वीडियो बहुत लंबी थी इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा स्पीड कर ली थी, क्योंकि पूरी वीडियो इसी में निकल जाती। तो चाय देखने भी जा रही थी मैं, साथ ही साथ चाय बन रही, और जब तक मेरी चाय बन जाती तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत कर रही थी एक्सरसाइज। और चाय मैं सिर्फ अपने ही लिए बना रही हूँ, और मेरे हस्बैंड भी उठ के चले गए थे वॉक करने, तो मैं नहीं जाती हूँ उनके साथ। वो बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ चलते हैं क्योंकि उनको भी एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर ने बता रखा है। तो वो सुबह जाते हैं वॉक करने, उसके बाद वो भी एक्सरसाइज करते हैं। वो तो डेली करते हैं लेकिन मेरा कभी कभी छूट जाता है। जैसे लेट उठी तो अब टाइम ही नहीं मिलता है, जैसे जल्दी उठ गई तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ एक्सरसाइज, और लेट उठ के तो यही होता है कि अपना काम ही कभी पूरा नहीं होता है। तो तब तक जब तक मेरी चाय बन रही तब तक थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं कर रही थी एक्सरसाइज। और हाथ पांव घर में हम कितने भी काम कर लेना पूरे दिन भर, फिर भी हाथ पांव जैसे जाम से हो जाते हैं क्योंकि बाहर आना जाना नहीं होता है। गाँव में तो हम इतने एकदम फिट रहते थे, इतना काम करना होता है, और उसके बाद योगा करने का तो मतलब ही नहीं। अपनी बॉडी एकदम फिट रहती है काम करने से, खेतों में घास चारा वगैरह लाना, तो गांव में एकदम फिट थे। यहाँ आके मैं पता नहीं ऐसे आलस सा आता है, सारा काम घर के अंदर ही होता है तो कहीं आना जाना नहीं होता। और यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था, बीच में मैंने वीडियो नहीं बनाई, और सारे काम लगभग हो ही गए थे। फिर मैंने सोचा, कल मैंने अपनी एक दीदी की वीडियो देखी तो उनकी रजाई काट रखी थी चूहों ने, तो हमारे घर में भी एक चूहा मैंने कई बार देख लिया है, कई बार दिखा मुझे वो, तो थोड़ा शक हो रहा था कहीं बेड के अंदर काफ़ी टाइम से ना जिसमें रजाइयाँ रखी रहती है, तो उसको देखा नहीं है कहीं इसमें भी चूहे न चले गए। तो एक मेरे पुराना सूट रखा हुआ था तो वो मुझे दिखा सुबह, मैंने देखा कि मैं पोछा लगाने के लिए निकालती उसको, कुर्ती थी एक पुरानी सी बेकार सी, तो वो काट रखा था चूहों ने। तो मेरा दिमाग में वही चल रहा था कहीं इसने रजाइयाँ तो नहीं काटी, तो सारे मैंने इससे बेड से निकाल के डाल दिए हैं सुखाने के लिए ऊपर छत में। ये इनके गर्म कोट हैं ड्यूटी पे जाने के लिए सर्दियों के, सारे जो भी इस पे थे। तो आज एक ही बेड के सामान निकालूंगी मैं क्योंकि दोनों का नहीं निकाल पाऊँगी, छत में कई बार आना जाना होता है। तो इसकी रजाइयाँ डाल दी मैंने सारी छत में, और इस पे देखो कितना डस्ट हो रखा है, तो इसको झाड़ू लगा के इस पे पुरानी चादर वगैरह बिछा के फिर शाम को इसमें रखूँगी रजाइयाँ। और यहाँ पे पीयू भी छोटी मोटी मेरी हेल्प कर रही थी, जैसे कभी झाड़ू देना, डस्टबिन देना। तो ये रेन कोट है, इसमें जो मैंने अभी ब्लैक सा हाथ में उठाया, और ये देख लिया आप लोग, देख सकते हैं बेड के अंदर इतनी सारी धूल कहाँ से आई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये देखिए, इसको मैं अच्छी तरह से झाड़ के इसको डस्ट को उठा करके इसमें अच्छे से कपड़ा बिछा दूंगी ताकि मुझे शाम को आसानी होगी जब मैं इसके अंदर रजाइयों को रखूंगी। तो कुछ कपड़े भी थे। सो गाइस, 12 बजने वाले हैं, अभी हो रही है 11:54, ये देख सकते हैं आप। और अभी मैंने बेड के जितने भी कपड़े थे, कपड़े नहीं थे उसमें रजाइयाँ थी और थोड़ा बहुत कपड़े थे, कोट वगैरह थे इनके जो ये सर्दियों में ले जाते हैं ड्यूटी पे, और ज़्यादा कपड़े नहीं थे उसमें। तो आज मैंने एक ही बेड के कपड़े जो हैं छत में डाले क्योंकि एक ही दिन नहीं हो पाएगा, और जो दूसरा वाला ये दीवान है बड़ा वाला, तो इसमें रजाइयाँ शायद एक या दो हैं और बाकी बहुत सारे कपड़े हैं पूरे भरे हुए, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसको मैं कल साफ़ करूँगी सारे कपड़े सुखा के। और आजकल अच्छी धूप आ रही है, धूप अच्छी है तो सिलन की अजीब सी बात सी आती है रजाइयों में, जो भी हम सर्दियों में कपड़े पहनते रखे हैं, तो इनको मैं थोड़ा थोड़ा करके अब सुखाने शुरू कर दिए हूँ। और अभी देखो किचन में मैंने कुछ नहीं किया, एक मिनट अभी दिखाती हूँ मैं। ये तो दूध है यहाँ पे, ये मैंने इतनी लेट गरम किया, भूल गई थी। चावल रखे हैं मैंने, इसका देखती हूँ मैं चावल बनाऊँगी या तो नमकीन चावल पुलाव बना लूँगी, अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि अभी नहा के आई और मैंने अभी देखो बिंदी तक भी नहीं लगा रखी है नहाने के बाद। ये मेरा घी बनाया हुआ है,
दूसरा वाला वो खाली हो गया, वो डब्बा रखा हुआ है यहाँ पे, तब मैं इसको यूज कर रही हूँ। ये यहाँ पे बना रही है, इसने बताया नहीं मैं क्या बना रही हूँ, सरप्राइज है, देखते हैं। लग तो रहा है कुछ बन रहा है, और क्या बन रहा है वो मुझे भी पता नहीं है, और इसी को पता होगा तो बन जाएगा, तो दिखाऊंगी आपको क्या बना रही है। ये मिल्क मेड निकाल ली है, और ये मैंने फ्रिज से निकाला है कि थोड़ा नॉर्मल हो जाए, जल्दी जल्दी से गलते नहीं है। फिर टमाटर अगर उसी समय बनाओ उसी समय निकालो। और ये बना रही है, इसने लौकी को कर रखा है कद्दूकस, और यहाँ पे इसको कर रही है फ्राई। और ये देखिए आप, गैस स्लैब किस तरह से पूरा बिखरा हुआ, ये देखिए, बाप रे, ये देखो। और अभी लंच का टाइम होने वाला है, ये है पूरा सिंक भरा हुआ, ये चाय के इतने, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि 12 बजने वाले हैं, और अभी जितने ऊपर डाले ना छत में, कितनी चक्कर चली गई मैं। एक बार कपड़े धोए तो उनको ले गई, फिर रजाइयों को ले गई, कुछ तकियाँ थी जितनी सारी वो रखी, फिर कुछ थोड़ा गर्म कपड़े थे उनको रखा, और इसका तो मैं कल खाली करूँगी। और ये जो ये भी मैंने पहनी थी 2-3 साड़ियाँ, तो ये भी दीवान में ही रखी थी, इनको भी संभालूंगी अभी अटेजी में। और ये वाला है तो इसके मैंने डाल रखे हैं ऊपर, दूसरे के कल डालूंगी। और टाइम इतना ज़्यादा हो गया, तो फिलहाल जब तक किचन साफ़ नहीं किया तब तक तो मुझे खाना बनाया हुआ भी नहीं लगेगा, खाया हुआ भी नहीं लगेगा। तो पहले सबसे पहले बर्तन साफ़ करती हूँ, किचन साफ़ करती हूँ, उसके बाद अभी कुछ बना रही है प्राप्ति, उसके बाद बनाऊंगी मैं लंच। क्या बनाना है अभी मुझे कुछ पता नहीं है। और मेरे को देखिए, एक बिंदी तक भी नहीं लगा रखी मैंने, कि थक गई हूँ सुबह से। इसको मिल्क मेरे को फ्रिज में रख दे। और ये इसको मैंने सेवन एट का अच्छे से लर्न कर लो, उसके बाद में पूछूंगी आपको, ठीक है। एट का भी सेवन का भी कर लो, ठीक है। अभी कहाँ, मतलब आप कर लो, मैं भी बहुत काम कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धुल लिए थे, और कुछ मैंने टोकरे में रखे हैं, बड़े बड़े बर्तन मैंने नीचे रखे हैं। प्राप्ति की यहाँ पे अभी हो तक हो रही है कुकिंग, उसके बाद जब तक ये यहाँ पे किचन में है तब तक मैं प्याज टमाटर काट लेती हूँ। और आज मैं नमकीन चावल बनाती हूँ क्योंकि इनको पसंद है, दाल सब्जियाँ नहीं खाते हैं। लौकी के लिए इसने मना किया, इसलिए वो लौकी से कुछ बना रही है। मैं बिल्कुल फ्रेश लौकी लाई थी, एकदम ताज़ी लौकी थी, तो इन्होंने मना किया कि लौकी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं लौकी से कुछ बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना पुलाव बना लूँ, नमकीन चावल तो खा ही लेते हैं, चावल इनको इतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने काट ली थी हरी मिर्च और बीन्स, टमाटर, प्याज और एक आलू, और चावल मैंने धो के रख लिए थे। जब तक ये काम कर रही थी किचन में तब तक मैंने ये सब रेडी कर लिया था, उसके बाद मैं बनाती हूँ। तो चावल धुल के रखे हैं, और यहाँ पे देखिए खीरे कटे हैं, देसी खीरे, और इसमें नमक पीसा है प्राप्ति ने, हरी मिर्च वाला। ये वाला नमक बहुत ही अच्छा होता है, और जैसे हम बनाते थे गांव में खटाई या ककड़ी खाते थे तो यही वाला नमक पीसते थे, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है हरी मिर्च वाले नमक का। और यहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए मैं करेले की सब्ज़ी और रोटी बनाऊंगी, और हम लोगों ने बनाया था पुलाव, तो पहले अपने लिए बनाया था, वो अभी आएंगे ड्यूटी से तो उनके लिए बना रहे हैं अभी। और ये प्राप्ति ने बनाया, ये देख लीजिए, इसने बनाई लौकी की बर्फी, और मुझे तो लग रहा था शायद ये हलवा बना रही है, उसने बताया नहीं, मुझे यही लग रहा था हलवा बना रही होगी, लेकिन उसने बर्फ़ी बनाई, बहुत अच्छी हो रही थी, टेस्टी काफ़ी थी, एकदम परफेक्ट तो नहीं बनी, बच्चा है वो अभी और पहली बार बनाई है उसने। इससे पहले उसने एक बार हलवा बनाया था, शायद पिछले साल बनाया था, तो ये बनाई उसने बर्फ़ी। और ड्राई फ्रूट तो कुछ थे नहीं घर में, पर जैसे ही बनाया उसने कोशिश की, बच्चा है और कोशिश करने वाले, एक दिन अच्छी नहीं बनेगी, 2 दिन अच्छी नहीं बनेगी, तीसरी बार जो है अच्छी बनेगी। वैसे अच्छी हो रही थी, टेस्टी हो रही थी, कुछ भी नहीं डाला उसने, दूध डाला, मिल्क मेड डाला, बस यही हो गया, घी में भुना, और बच्चे ने कोशिश की तो अच्छा ही बनाया। तो बताइए आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी,
और मिलूंगी फिर नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।